स्वागत so, है हमारे यूट्यूब चैनल आदमी जॉब्स अपडेट में दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चलते हैं रिक्वायरमेंट की तरफ तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करिए क्योंकि इसमें आपको फिर आपके ट्रेड की जॉब मिस हो जाती है ठीक है क्योंकि मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि हर ट्रेड की जॉब को कवर करूँ तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए तो चलते हैं रिक्वायरमेंट की तरफ जो अभी की अपडेट है पहली अपडेट जो है कुवैत के लिए ठीक है दोस्तों अलगानिम कंपनी ये बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है ये ठीक है अर्जेंट रिक्वायरमेंट है ऑर्गेनिक ग्रुप के लिए ये कुवैत की बहुत मानी जानी कंपनी है फाइनल फ़ेस टू फेस इंटरव्यू जो इसका होगा बारह नवंबर को जमशेदपुर में होगा ठीक है तो इसमें जो रिक्वायरमेंट है एच वी सी टेक्नीसियन चाहिए ठीक है 140 से 160 सौ के डी सैलरी है और क्लैडिंग चाहिए 140 से 160 सौ के डी है मेंटेनेंस टेक्नीशियन सुपरवाइजर चाहिए 220 से 250 सौ के डी है और सीनियर चिल्ड्र टेक्नीशियन चाहिए 160 से 180 डक्टिंग फैब्रिकेटर चाहिए 140 से 160 है जनरल इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन चाहिए 140 से 160 है और उसके बाद जो है जनरल इक्वायरमेंट टेक्नीशियन चाहिए 140 से 160 स्टीम बॉयलर चाहिए 140 से 160 सौ साठ सेंट्री फ्यूगल चिल्लर टेक्नीसियन चाहिए 140 से 160 है चिल्लर ऑपरेटर प्लांट रूम चाहिए 120 से 140 है और डक्टिंग इंस्टालर चाहिए 120 से 140 है चिल्लर असिस्टेंट टेक्नीशियन चाहिए 120 से 140 है और डी एक् टेक्नीशियन ऑन कॉल ड्यूटी के लिए चाहिए एक सौ बीस से एक सौ चालीस है वी आर एफ ब्रेक डाउन टेक्नीशियन चाहिए एक सौ बीस से एक सौ चालीस है एयर बैलेंसिंग टेक्नीशियन चाहिए एक सौ बीस से एक सौ चालीस है टैप टेक्नीशियन चाहिए एक सौ बीस से एक सौ चालीस है डक्ट क्लीनिंग टेक्नीसियन चाहिए एक सौ बीस से एक सौ चालीस है और कंप्रेसर ओवर हॉलिंग टेक्नीसियन चाहिए सौ से एक सौ बीस है ए सी टेक्नीशियन हेल्पर चाहिए ठीक है तो इसकी जो है सौ सौ के डी है और फूड अलाउंस बीस के डी आपको अलग से मिलेगा फ्री अकोमोडेशन है ट्रांसपोर्टेशन है आठ घंटे की ड्यूटी है प्लस और टाइम ठीक है कैंडिडेट शूट है फाइव टू ट एट ईयर एक्सपीरियंस इन मेंटेनेंस फील्ड अप्लाई करने के लिए दोस्तों इनके दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर और मेल आई डी अपना डॉक्यूमेंट वगैरह सेंड करके अप्लाई कर सकते हैं बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ जो अगली अपडेट है दोस्तों वो सऊदी अरब के लिए अपॉर्चुनिटी फॉर सऊदी अरबिया फॉर वेरियस एम्प्लॉय इन मल्टीपल इंडस्ट्री वर्टिकल ठीक है इसमें जो है सीसीटीवी टेक्नीशियन चाहिए और किचन हेल्पर चाहिए कार वॉशिंग लेबर चाहिए फैक्ट्री मैनेजर चाहिए स्टीकर विनिल एप्लीकेटर चाहिए स्क्रीन प्रिंटिंग वर्कर चाहिए स्प्रे पेंटर चाहिए हैवी ड्राइवर चाहिए जिम मैनेजर चाहिए ठीक है ईमेल ईमेल योर सीवी ओनली सीवी वी विस सब्जेक्ट एज योर पोजीशन बीइंग अप्लाइड टू दिस मेल आईडी सिर्फ आपको अपनी सीवी भेजनी है अदर डॉक्यूमेंट नहीं भेजना है ठीक है और सब्जेक्ट में अपना पोजिशन लिखना ना बोले मुंबई ऑफिस और कालीकट ऑफिस यहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ तो आप लोग उसी हिसाब से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं जहाँ अप्लाई करना चाहते हैं तो बढ़ते हैं अगली रिक्वायरमेंट अगली जो रिक्वायरमेंट है वी uh, कैरियर वी वेल डिप्यूटेड कंपनी इन रिक्वायरमेंट फॉर कैटरिंग डिवीज़न ठीक है वो इसमें जो है सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है वर्क लोकेशन चाहिए और वर्क सॉरी वर्क लोकेशन जो है कतर में और जेंडर जो है मेल एक्सपीरियंस दो से तीन साल का ठीक है तो ये कैटरिंग सर्विस के लिए रिक्वायरमेंट है इसमें जो है सी चाहिए डी सी चाहिए कॉमी फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों चाहिए ठीक है तो अप्लाई करने के लिए यू कैन सेंड योर सी वी आन बिलो मैंशन ई मेल आई डी रिज्यूम एट द रेट ट्रांस एशिया डॉट इन्फो इनका लैंडलाइन नंबर भी दिया है तो आप लोग वहाँ से कॉन्टैक्ट करके क्वायरी भी कर सकते हैं तो बढ़ते हैं अगली रिक्वायरमेंट की तरफ अगली जो रिक्वायरमेंट है मिडल लिस्ट के लिए ये जो है इन वीटिंग आयल गैस पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री प्रोफेशनल विथ एट ईयर एक्सपीरियंस वाला बंदा चाहिए इनको ठीक है फॉर अपकमिंग प्रोजेक्ट इन मिडल ईस्ट मैन पावर पोलिंग अंडर प्रोसेस सबमिट योर सी वी ऑन मेल तो इसमें जो रिक्वायरमेंट दोस्तों हैं इंजीनियर चाहिए और इंजीनियर किस किस चीज़ की कि चाहिए पूरा यहाँ पर मैंसन किए हुए आप लोग देख सकते हैं ठीक ठीक है उसके बाद जो मटेरियल स्पेशलिस्ट चाहिए साइट सुपरिनटेंडेंट चाहिए प्लांट कंसेवल कंट्रोलर चाहिए डी सी एस कंसोल ऑपरेटर चाहिए और मैंटेनेंस प्लानर चाहिए प्लानिंग एनालिस्ट चाहिए लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेटर चाहिए टी आई प्लानर चाहिए और मटेरियल कोऑर्डिनेटर चाहिए मैकेनिकल इंस्पेक्टर चाहिए कंट्रैक्ट एडवाइज़र चाहिए टी आई प्लैनर मटेरियल कोऑर्डिनेटर चाहिए आईटी इंजीनियर चाहिए वेल्डिंग इंस्पेक्टर चाहिए क्यूसी इंजीनियर चाहिए इंस्पेक्टर चाहिए और कंस्ट्रक्शन स्पेशलिस्ट चाहिए इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज इंस्पेक्टर चाहिए मैंटेनेस प्लानर चाहिए वेल्डिंग स्पेशलिस्ट चाहिए और ड्रिलिंग फॉरमैन चाहिए ठीक है अप्लाई करने के लिए नीचे इनकी मेल आईडी दी हुई है और ई मेल वनली सी वी विथ प्रॉपर इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड ठीक है तो जैसे इन लोग की रिक्वायरमेंट ने जिस तरीके से मैंशन किया उसी तरीके से अपना अपना सी बी बना के इनको भेजिए ठीक है, है तभी शॉर्ट लिस्टिंग होगी तो बढ़ते हैं अगली रिक्वायरमेंट की तरफ अगली रिक्वायरमेंट यू ए के लिए है वन ऑफ द लार्जेस्ट कैटरिंग कंपनी इन द वर्ल्ड रिक्वायर्ड फॉर यू ए क्लाइंट इंटरव्यू जिसका इसका ग्यारह बारह नवंबर को मुंबई में होगा नो सर्विस चार्ज नो फीस टू बी पेड बाई कैंडिडेट ठीक है फ्री रिक्वायरमेंट है इसका मतलब डायरेक्ट मेरिट बेसड सिलेक्शन बाई कंपनी नो सब एजेंट ठीक है डायरेक्ट आप ऑफिस से कांटेक्ट करके अप्लाई करिए एजेंट एजेंट बीच में नहीं है इसमें जो है वेटर चाहिए और कॉमी फर्स्ट सेकंड थर्ड चाहिए बैकर पेस्ट्री मैन चाहिए बूचर चाहिए सी चाहिए कैटरिंग सुपरवाइजर चाहिए टोटल कंप्लीट फ्री रिक्वायरमेंट है वैकेंसी लार्ज नंबर में है ठीक है फ्री फूड और अलाउंस अलाउंस आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय द कंपनी कैंडिडेट मस्ट स्पीक इंग्लिश ठीक है डिप्लोमा डिग्री इन होटल मैनेजमेंट प्रेफर्ड मस्ट बी एसएससी पास इट प्लीज सेंड बायोडाटा इन वर्ड फॉर्मेट दोस्तों ये पे वर्ड फॉर्मेट में भेज रहे हैं आपको सी ठीक है और ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल फॉर इंटरव्यू ठीक है इनका कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह नीचे लिखा हुआ तो आप लोग कॉन्टैक्ट करके क्वारीरी कर सकते हैं बढ़ते हैं अगली रिक्वायरमेंट की तरफ अगली रिक्वायरमेंट कतर के लिए ये भी अर्जेंट रिक्वायर है ठीक है इसमें जो है हैवी ट्रेलर ड्राइवर चाहिए और सैली सामने लिखी हुई है अट्ठारह सौ जे ऑपरेटर चाहिए चौदह सौ है फोर्ड अलाउंस भी तीन सौ लोग देंगे ठीक है उसके बाद मैन लिफ्ट ऑपरेटर चाहिए चौदह सौ है प्लस तीन सौ फोड है डेटा एंट्री चाहिए बारह सौ प्लस तीन सौ है और अच्छा इसकी ड्यूटी वगैरह लिखी हुई है इसमें जो है दोस्तों अकोमोडेशन कंपनी प्रोवाइड करेगी साइट अलाउंस जो है वो अलग से आपको मिलेगा और ड्यूटी हाल जो है वो आठ घंटे की ड्यूटी है डेटा एंट्री की बारह घंटे की एक्सपीरियंस जो है दो साल का चलेगा नो इशू और लाइसेंस जो है मस्ट है कतल लाइसेंस जो है ऑपरेटर और ड्राइवर के लिए कतरी लाइसेंस चाहिए ठीक है तो अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको साइड साइड अलाउंस वगैरह सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा और मेल योर सी दिस मेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर इनका दिया कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ठीक है उसके बाद जो है इसमें मैकेनिक हेल्पर भी चाहिए ठीक है और डीजल मैकेनिक भी चाहिए हाइड्रोलिक मैकेनिक चाहिए ऑपरेटर असिस्टेंट चाहिए इनको भी जो है सैलरी जो है एक हज़ार बेसिक लिखी हुई है बाकी नीचे की सैली नहीं लिखी हुई है ठीक है तो फूड अलाउंस तीन सौ मिलेगा और ओवर टाइम अलाउंस दो सौ ड्यूटी बारह घंटे की ठीक है मिनिमम एक साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए और जो सैलरी वगैरह मेंशन की सिर्फ मैकेनिकल हेल्पर के लिए बाकी के लिए नहीं मेंशन की है मेरी समझ से वो भी सेम होगी ठीक है अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है सैलरी विल बी डिस्क आफ्टर इंटरव्यू ठीक है इंटरव्यू आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से सैलरी दी जाएगी ठीक है दोस्तों तो बढ़ते हैं अगली रिक्वायरमेंट की तरफ अगली रिक्वायरमेंट सऊदी अरब के लिए आयल गैस मेंटेनेंस लॉन्ग टर्म जॉब है ठीक है दोस्तों इमीडिएट डिपार्चर है वैकेंसी इन लार्ज नंबर में इसमें जो है पहली जो रिक्वायरमेंट है सेफ्टी ऑफिसर चाहिए और मैकेनिकल रोटेटिंग टेक्नीशियन चाहिए इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन चाहिए इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन चाहिए पाइप फैब्रिकेटर फिटर चाहिए मैकेनिस्ट चाहिए ठीक है और आल कैंडिडेट्स शुड हैव डिप्लोमा आई विद मिनिमम एट टू टेन ईयर गल्फ एक्सपीरियंस आपको आयल गैस का होना चाहिए ठीक है दोस्तों इंग्लिश कम्युनिकेशन इज़ मस्ट इंग्लिश आनी चाहिए आपको बोलना और uh, इसका जो फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू है ग्यारह तारीख को मुंबई में होगा और बारह तारीख को बड़ौदा में चौदह तारीख को विजाग में सोलह तारीख को कोचिन में होगा ठीक है तो जल्दी दोस्तों अप्लाई करिए आप जहाँ भी अप्लाई करना चाहते हैं ठीक है तो उनका सब एड्रेस और मेल आई सब कुछ लिखा हुआ है तो बढ़ते हैं अगली रिक्वायरमेंट की तरफ अगली रिक्वायरमेंट जो है वो रसिया के लिए है रिक्वायर्ड फॉर आयल गैस कंपनी ठीक है आयल गैस के लिए रिक्वायरमेंट है क्यूसी इसमें जो चाहिए क्यू ए क्यू सेफ पेंटिंग इंसुलेशन सेक्शन के लिए चाहिए और क्यू ए पेंटिंग इंजीनियर चाहिए क्यू सी पेंटिंग इंस्पेक्टर चाहिए क्यू सी पाइपिंग टेस्ट पैक एक्सपीरियंस चाहिए क्यों सी मैकेनिकल इंस्पेक्टर एच वी ए सी बी एल एम चाहिए और क्यू ए क्यू सी ई आई इंस्पेक्टर चाहिए क्यू सी स्टील स्ट्रक्चर इंस्पेक्टर चाहिए और क्यू सी वेंडर प्रोक्योरमेंट इंजीनियर चाहिए क्यू सी मैकेनिकल इंस्पेक्टर चाहिए ठीक है सी वी जो है शुड हैव एक्सपीरियंस एज पर द दोजीशन मैंसन एज लिमिट जो है फोर्टी ईयर आयल गैस एक्सपीरियंस होना एज लिमिट चालीस साल है और आयल गैस का एक्सपीरियंस ओनली होना चाहिए रसिया गल्फ़ एक्सपीरियंस परफेयर ठीक है टोटल एक्सपीरियंस दस से बारह साल ई मेल करने के लिए दोस्तों यहाँ पर इनकी नीचे मेल मेल आई डी दी हुई है तो आप लोग इनको अपना डॉक्यूमेंट वगैरह मेल कर सकते हैं इनका कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया हुआ है तो बढ़ते हैं अगली रिक्वायरमेंट की तरफ अगली रिक्वायरमेंट सऊदी अरब के लिए अर्जेंटली रिक्वायर्ड ये फॉर मल्टी नेशनल कंपनी सऊदी अरबिया ठीक है डायरेक्ट क्लाइंट इंटरव्यू जो तेईस नवंबर को मुंबई में होगा और पच्चीस नवंबर को हैदराबाद में सत्ताईस नवंबर को कोचिंग में होगा ठीक है पोजीशन जो है इसमें प्लानिंग मैनेजर चाहिए चौदह हज़ार से सत्रह हज़ार सैलरी है और सीनियर प्लानिंग इंजीनियर चाहिए साढ़े सात हज़ार से साढ़े नौ हज़ार है, है? CV, ID, और सीनियर कोस्ट कंट्रोलर चाहिए साढ़े सात हज़ार से साढ़े नौ हज़ार ठीक है सेंड योर सी डॉक्यूमेंट ऑन दिस मेल आई और कॉन्टेक्ट करने के लिए इनके कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं दोस्तों ठीक है बढ़ते हैं अगली रिक्वायरमेंट की तरफ अगली रिक्वायरमेंट जो है फिर से सऊदी अरब के लिए ठीक है फॉर रिपोर्टेड आयल गैस कंपनी है फाइनल क्राइंट जो है चेन्नई बड़ौदा और मुंबई में होगा चेन्नई में सात तारीख को बड़ौदा में नौ तारीख को मुंबई में ग्यारह तारीख को तो इसमें जो रिक्वायरमेंट देख लेते हैं ऑपरेशन डिपार्टमेंट के लिए जो चाहिए इसमें फॉरमैन चाहिए और गैसीफिकेसन शिफ्ट सुपरवाइज़र चाहिए यूटिलिटी शिफ्ट सुपरवाइज़र चाहिए पावर शिफ्ट सुपरवाइजर चाहिए सी चाहिए और फील्ड ऑपरेटर चाहिए ठीक है उसके बाद ऑपरेशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए जो चाहिए वो जी पी यू प्रोसेस इंजीनियर चाहिए जी एफ यू सीनियर प्रोसेस इंजीनियर चाहिए और पावर ब्लॉक सीनियर प्रोसेस इंजीनियर चाहिए एक्सेसर सैलरी पैकेज है और अदर बेनिफिट इमीडिएट अदर बेनिफिट भी प्रोवाइड करेंगे इमीडिएट डिपार्चर है ऑल कैंडिडेट शूड है मिनिमम फाइव ईयर विथ गल्फ एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन डिग्री डिप्लोमा आई टी आई एन सी बी टी अप्लाई करने के लिए नीचे इनकी मेल आई डी वगैरह लिखा हुआ है सब कुछ मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं बढ़ते हैं अगले रिक्वायरमेंट की तरफ तो अगली जो रिक्वायरमेंट है फिर से सऊदी अरब के लिए फॉर ए स्टील फेब्रिकेसन कंपनी सऊदी अरबिया तो इसमें जो रिक्वायरमेंट है वेल्डर चाहिए टी आई जी ए आर सी का और फैब्रिकेटर चाहिए टैंक स्ट्रक्चरल पाइप का प्रोक्योरमेंट इंजीनियर चाहिए फैब्रिकेशन का और सेफ्टी ऑफिसर चाहिए सेफ्टी सुपरवाइजर चाहिए ठीक है तो इंजीनियर मैकेनिकल क्यू सी चाहिए और केमिकल इंजीनियर चाहिए मिनिमम पाँच साल का एक्सपीरियंस आयल गैस का दोस्तों होना चाहिए एज लिमिट पैंतीस साल मैक्सिमम है वकाला रेडी है ए सी एन आर ऑनली जूम इंटरव्यू अर्जेंट रिक्वायरमेंट है फ़टाफट काम होगा और इनका कॉन्टेक्ट नंबर नीचे मेल आई डी इनकी लिखी हुई है तो आप लोग जल्दी से दोस्तों अप्लाई करिए नीचे ऑफिस का एड्रेस भी लिखा है इसक्रीन शॉट ले रख सकते हैं बढ़ते हैं अगली रिक्वायरमेंट की तरफ अगली जो रिक्वायरमेंट है वो नाइजीरिया के लिए ठीक है अगर दोस्तों आप इंटरेस्टेड हैं नाइजीरिया जाने के लिए तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है ठीक है इसमें जो है रिक्वायर्ड फॉर ऑपरेशन पोजीशन ठीक है इसमें जो शिफ्ट सुपरवाइजर चाहिए शिफ्ट इंचार्ज चाहिए और शिफ्ट uh, सुपरिनटेंडेंट चाहिए ऑपरेशन मैनेजर चाहिए और एरिया मैनेजर चाहिए ठीक है तो मस्ट हैव एक्सपीरियंस इन बिलो रिफ्रेनरी यूनिट एल्किलेशन लेसन आर एफ सी सी पी पी यू आस एस आर यू एच जी यू सी डी यू कंडीडेड विद डिग्री डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग विथ मिनिमम नाइन ईयर ऑफ एक्सपीरियंस नौ साल का एक्सपीरियंस आपको दोस्तों होना चाहिए अप्लाई करने के लिए यहाँ पे मेल आईडी इनके लिखी हुई है एस एस सी एट द रेट सिंस लेवस डॉट कॉम अपना फुल डॉक्यूमेंट इनको सेंड करिए ठीक है दोस्तों तो नीचे ऑफिस का एड्रेस भी देख सकते हैं लिखा है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बढ़ते हैं अगले रिक्वायरमेंट की तरफ अगली जो रिक्वायरमेंट है तो फिर से सऊदी अरब के लिए ठीक है दोस्तों तो एक्सपीरियंस गल्फ कैंडिडेट विथ फोर फाइव ईयर एक्सपीरियंस इन आयल गैस रिफाइनरी कंस्ट्रक्शन प्रिपेयर ठीक है फ्री फूड है अकोमोडेशन है ट्रांसपोर्टेशन है सब कुछ कंपनी प्रोवाइड करेगी इंटरव्यू जो इसका होगा आइए देख लेते हैं इसमें क्लाइंट इंटरव्यू जो कोचिन में होगा चौदह नवंबर को और तिरची में होगा सोलह नवंबर को क्लाइंट इंटरव्यू एट विशाखापट्टनम में अट्ठारह तारीख को होगा उसके बाद जो है क्लाइंट इंटरव्यू एट मुंबई में जो है बीस नवंबर को होगा क्लाइंट इंटरव्यू एट सूरत में जो है बाईस नवंबर को होगा ठीक है तो इसमें जो ट्रेड देख लेते हैं इसमें क्यू इंस्पेक्टर सिविल चाहिए सैलरी जो है दोस्तों पैंतीस सौ से पाँच हज़ार रे ठीक है इसमें क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है ठीक है तो आप आंकड़ा लगा सकते हैं उसके बाद क्यू इंस्पेक्टर ई चाहिए और क्यू इंस्पेक्टर पाइपिंग चाहिए क्यू इंस्पेक्टर वेल्डिंग ए डब्ल्यू एस सी डब्ल्यू आई एन चाहिए और क्यू इंस्पेक्टर पेंटिंग के लिए चाहिए कोटिंग क्यू सी इंस्पेक्टर प्लम्बिंग का चाहिए और क्यू सी इंस्पेक्टर इक्वायरमेंट का चाहिए क्यू सी इंस्पेक्टर एच वी ए सी के चाहिए क्यू सी इंस्पेक्टर इंस्यूशन का चाहिए क्यू सी इंस्पेक्टर एन डी टी का चाहिए और के सी इंस्पेक्टर पी डब्ल्यू एच टी का क्यू सी इंस्पेक्टर स्ट्रक्चरल का चाहिए क्यू सी इंस्पेक्टर टेलीकॉम के लिए चाहिए क्यू सी इंस्पेक्टर सिविल के लिए चाहिए क्यू सी सॉरी क्यू सी सुपरवाइजर सिविल के लिए चाहिए और क्यू सी सुपरवाइजर ई आई के लिए चाहिए क्यू सी सुपरवाइज़र पेंटिंग के लिए चाहिए क्यू सी सुपरवाइजर पाइपिंग के लिए चाहिए क्यू सी सुपरवाइज़र स्ट्रक्चरल के लिए चाहिए क्यू सी सुपरवाइजर वेल्डिंग के लिए चाहिए और क्यू सी सुपरवाइज़र मैकेनिकल के लिए चाहिए ठीक है तो ब्लैक ब्लॉक वीज़ा रेडी है इमीडिएट ट्रैवल है और सेंड योर सी वी फुल सेट डॉक्यूमेंट ठीक है पूरा अपना जो है डॉक्यूमेंट इनको इनकी दिए गए मेल आई डी पर सेंड करिए दोस्तों और हेड uh, ऑफिस का एड्रेस यहाँ भी दिया हुआ है और सभी uh, केरला मुंबई दिल्ली विशाखापट्नम तिरछी सूरत सभी ऑफिस का कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हो तो आप लोग उसी जहाँ पे आप अप्लाई करना चाहते हो वहाँ कॉन्टैक्ट करके कर सकते हैं अप्लाई ठीक है दोस्तों तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर वीडियो पसंद आई है रिक्वायरमेंट पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि यहाँ पे मैं डेली जॉब के रिलेटेड अपडेट डालता रहता हूँ यहाँ से आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है दोस्तों आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं किसी अगली अपडेट के साथ तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया